गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो मैं शॉप से लाई थी किचन टॉवेल, उसकी कर देती हूँ अनबॉक्सिंग, क्योंकि किचन का काम हो गया स्टार्ट, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह का, और टिश्यू का काम बहुत रहता है। ओ मेरा अंदर दूर उबल गया, क्या सही टाइम पे आई हूँ मैं। क्या सही टाइम पे आई हूँ, मेरे लिए ही मैं कॉफ़ी बना रही थी, और मेरे को ये अभी कप साफ करना था, तो इसके लिए मुझे चाहिए था टिश्यू। तो टिश्यू को अनबॉक्स कर देते हैं, अपन है अनबॉक्स में बहुत कच्चे। निकल गया हमारा किचन टॉवेल, अब इसको यहाँ से ऐसे ही डिटैच करना पड़ता है, और इससे हम हमारे कार्य करते हैं। और कार्य है कप साफ करना। मुझे मेरी कॉफ़ी का कप दूसरा लाना है, पर मैं कहीं जा ही नहीं रही तो ला भी नहीं पा रहा। और दूध नॉर्मल ठंडा कर गर्म करना था, वो ज़्यादा गर्म हो गया। अब इसको ब्रेड में ठंडा करती हूँ, फिर बनेगी ना मेरी कॉफ़ी। मेरे को ज़्यादा गर्म गर्म कॉफ़ी पसंद नहीं है। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने छेड़ दी है आज रूम की सफाई। पीछे कुछ सुना सुना लग रहा होगा, और कमरे की हालत आप देख सकते हो कैसी हो गई है। सारा बिखेरा करके बैठी हूँ, और जो चीज़ें काम की नहीं उनको रिजेक्ट कर रही हूँ। हालांकि काफ़ी कर दी हैं, पर तो भी जो जो मुझे लगता है अभी काम नहीं आने वाली चीज़ें उसको मैं रिजेक्ट ही कर रही हूँ। और इस टेबल को निकाल दिया है बाहर, ये जाएगा सलून पर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी है ज़रूरत और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसलिए। और साथ ही साथ बना रही हूँ खाना, क्योंकि लेट हो जाऊँगी ना फिर खाना बनाने के लिए, इसलिए तो अभी इसमें वगार कर दी है। इसकी सब्जी बन रही है अभी, उसकी फूलगोभी मटर आलू, उसकी लिक्विड सब्जी बन रही है, उसका मसाला तैयार हो गया। इधर फूलगोभी और मटर दोनों एक साथ बॉईल कर दिए, ताकि जो भी कीड़े वीड़े आते हैं ना फूलगोभी के अंदर वो निकल जाए। पर कुछ थे नहीं, नीट एंड क्लीन ही थी फूलगोभी। किचन में भी काफ़ी मैस पड़ा हुआ है सारा। और ये बन रहा है इधर साइड घी, क्योंकि मम्मी ने रात को घी के लिए वो निकाल दिया था, खमीर क्या कहते हैं मक्खन, मम्मी ने रात को मक्खन निकाल दिया था। और अभी फिर मैं इसका घी बना रही हूँ, और इसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल दिए ताकि ये थोड़ा येलो येलो दिखे, जिससे खाने में मज़ा आए इसको। अभी तो फुल बॉईल होगा, तो मैं किचन से फटाफट से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि आज 1 बजे आने वाली हैं गर्ल्स मेकअप सीखने के लिए। आज तो आज उनको मेकअप सिखाएंगे, और रूम में भी थोड़ा जल्दी जल्दी अवेरना पड़ेगा सारा। बेडशीट भी आज चेंज करनी है, पर देखती हूँ अगर आज टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो शॉप से आके करूँगी। और आज के दिन खुशी की बात यह है कि आज भाई जी बिल्कुल भी आए नहीं हैं, तो हमको आज बर्तन झाड़ू वगैरह सब खुद ही करना है। लक्ष्मी जी को पकड़ लेते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं। और किचन क्या है अभी क्लीन, घी बन रहा है, सब्जी बन रही है, अभी थोड़े बर्तन भी धो दूँगी, इन बर्तनों को जमा दूँगी ताकि थोड़ा काम तो निपट जाएगा। 12 बज गई है, खाना वगैरह सब हो गया है, अभी जा रही हूँ शॉप पर, क्योंकि गर्ल्स आ गई है सीखने के लिए, तो लेट्स गो। अब मेकअप स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट इनको फेस वॉश करवा दिया अपन ने अच्छे से। अब इनके फेस को हम एक बार हाइड्रेट करेंगे, मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है और फेस को टोन करना ज़रूरी है। मिस्ट लगाएंगे और मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और मॉइस्चराइजर ऐसा रखना है जिसके अंदर सनस्क्रीन भी हो, ताकि अगर हम मेकअप करके बाहर भी जा रहे हैं तो हमारा मेकअप जो है वो ग्रे ना हो। इसको ड्राई होने देना है, और ये है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर है ताकि इनका फेस है वो पूरा दिन हाइड्रेट, तो अपने मिस्ट लगाया उससे हो गया है। अब सनस्क्रीन से क्या होगा ना, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन, स्किन ड्राई नहीं होगी तो हमारे मेकअप में ना क्रैक्स आएंगे और ना ही हमारा मेकअप केकी लगेगा। प्राइमर हम हमारे फेस पर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे ओपन पोर्जन हैं वो लॉक हो जाए, क्योंकि हमारे गाल पे नाक पर ओपन पोर्जन रहते हैं जिसमें मेकअप इकट्ठा हो जाता है, जिससे पिंपल्स होने का भी प्रॉब्लम होता है, और मेकअप करते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। अगर पोर्स ज़्यादा दिखेंगे तो मेकअप बहुत यानी अनइवन लगता है, जगह जगह पे अलग अलग टाइप का दिखता है, वो चीज़ इससे नहीं होती। इससे एक स्मूथ बेस क्रिएट हो जाता है जिसके ऊपर हम मेकअप करेंगे तो एकदम स्मूथ फिनिश से होगा। Thank you.
लड़कियाँ सीख के चली गई हैं और अब करवा देती हूँ मैं हेयर वॉश, क्योंकि कल हेयर ऑयलिंग की थी तो आज भी करवा देती हूँ हेयर वॉश। और हेयर वॉश के लिए मैं यूज़ करूँगी टी ट्री ही शैम्पू, ताकि मेरे बाल उससे और अच्छा हो जाए। ये वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करूँगी और ये वाला कंडीशनर, मस्त इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। हेलो, अब मैं आ गई हूँ आपको आगे वाली शॉप से रिव्यू देने के लिए ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के विटामिन बी सीरीज़ का। और मैंने आज ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ही शैम्पू यूज़ किया है, आप देख सकते हो इससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं। और ये वाला शैम्पू, ये शैम्पू भी मैंने आपको मेरे व्लॉग में दिखाया है, अगर आपने डायरेक्ट व्लॉग स्किप करके देखा है तो आगे जाके देखो, मैंने हेयर वॉश करते टाइम मेरा शैम्पू बताया है। और अब आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं विटामिन बी की ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की सीरीज से। फर्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी के क्लेंजर के बारे में। विटामिन बी जो सीरीज़ है वो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, और जिनके स्किन पर डार्क स्पॉट हैं या फिर ब्लैमिशेज हैं, पिंपल्स हैं और बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन हो गई है, रेडनेस रहती है पिंपल्स की वजह से, उसके लिए है। तो इसमें सबसे पहले है क्लेंजर। क्लेंजर हमारे पोर्स को अच्छे से क्लीन करेगा और हमारे फेस को अच्छे से एकदम ऑयल फ्री बनाएगा, जिससे ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छे से अपने फेस पर काम करने वाली है। सेकंड आ जाता है टोनर। कोई भी हम अगर स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं और वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसकी वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि टोनर यूज़ नहीं कर रहा है। टोनर यूज़ करना मस्ट रहता है, क्योंकि हमको हमारे पोर्स को टोनर से फिल करना है, ताकि जो उन पोर्स के अंदर डर्ट फिल नहीं हो, जिससे पिंपल्स नहीं बन सके या फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये वाली प्रॉब्लम ना हो। और फिर थर्ड हमको यूज़ करना है फेस सीरम। विटामिन बी की फेस सीरम हमको यूज़ करनी है, जो कि ब्लैमिशेस के लिए ही है स्पेशल। ये हमारे फेस पर ऑयल को कंट्रोल करेगी और ब्लैमिशेस को लाइट करेगी और डार्क स्पॉट को भी लाइट करेगी, और हमारे स्किन का जो टेक्सचर है उसको और स्मूथ और अच्छा बनाएगी। और इसके बाद आ जाती है फेस क्रीम। फेस क्रीम मस्ट रहती है, और हमारे फेस की जो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है उसको लेकर हमको कोई अगर कोई भी सीरीज़ यूज़ करनी है तो उसकी क्रीम यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए है विटामिन बी का फेस क्रीम। ये भी हमारे फेस पर ऑयल को कंट्रोल करता है, पिंपल्स को आने से रोकता है, हमारा जो फेस पर ब्लैमिशेज है, डार्क स्पॉट है, उसको भी लाइटर करता है। और ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद अगर हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो कोई भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि हम अगर इतना अच्छा स्किन केयर कर रहे हैं फिर सन से हमारी स्किन को हम बचा नहीं पा रहे तो मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा सनस्क्रीन, और वो भी आप ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ को लेकर आप अलग अलग जाते हो तो वो इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। सो मैंने आपको बता दिया है पूरा, ये इन सब के टेस्टर से, इनकी पैकेजिंग सबकी, ओनली फॉर टोनर को छोड़कर सबकी पैकिंग ग्लास के जार में ही आएगी। तो इन सारे प्रोडक्ट से मैंने करवा दिया है आपको इंट्रोड्यूस। और आपको अगर स्किन की ये प्रॉब्लम है, ब्लैमिशेस की, ऑयली स्किन की या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स की, तो आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। और 100% ये ब्रांड गारंटी लेता है, अगर आपको इस प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है तो ये ब्रांड प्रोडक्ट रिटर्न ले लेती है और आपको कैशबैक मिल जाएगा। पर ऐसी सोच से हमको ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, हमको पॉजिटिविटी से ही यूज़ करना है, तो हमारे फेस पर पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आएगा। और आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट्स आप परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में शॉप करो का लिंक भी दे दूँगी, नंबर भी दे दूँगी, और आप शॉप करो पर कॉल करके भी ये जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकते हो, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। शॉप करो के भी मैं एप्लीकेशन की लिंक है वो आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर पर, क्योंकि टाइम हो गया घर पर जाने का, और आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो चलते हैं अब घर पर। चिकू लेने के लिए आ गए, ये सारा समेट रही हूँ, और घर पर जैसे ही आई सारा इतना बहुत ज़्यादा बिखेरा था, थोड़ा थोड़ा समेट लिया, अभी थोड़ा और समेट रही हूँ, और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड, क्योंकि ये सारा समेटते समेटते मुझे लग जाएगा टाइम। तो यहाँ तक देखने के बाद आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में। ओके बाय।